नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने पूर्व सैनिकों और शहीदों की विधवाओं को संबोधित किया। सीएम मनोहर लाल ने भविष्य की परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी और जो योजनाएं प्रदेश में चलाई जा रही है उनके बारे में भी बताया। सीएम मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा है कि गरीबों का उत्थान करना सरकार का मकसद है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में परिवार पहचान पत्र का काम जारी है। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि गरीब परिवारों को सरकारी योजनाओं से लाभ पहुंचा पाएंगे। हर हित योजना से गरीब परिवार को देंगे फायदा। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि सिर्फ पात्र लोगों को ही योजना का लाभ देंगे। इसके लिए 5,000 गरीब लोगों का लाभ होगा। करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दो सड़क परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया है, जिन्हें 225.28 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ऑक्सीजन प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे, जिसे कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में तैयार किया गया है। ऑक्सीजन प्लांट 50 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है, जो ऑक्सीजन की कमी को दूर करेगा। कलकरना में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गप्पूवाला बाग स्थित मिनी स्टेडियम का उद्घाटन किया है। इन मिनी स्टेडियम को सरदार मिल्खा सिंह स्टेडियम नाम दिया गया। वाणिज्य मंत्रालय की एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसके मुताबिक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचांकन में हरियाणा ने दूसरा स्थान हासिल किया। पंचकुला के बीजेपी ऑफिस में प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ओपी धनखड़ ने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के साथ साथ 6 लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें आने वाले समय में होने वाले अलग अलग राज्यों में चुनाव पर बातचीत हुई है और आगे की रणनीति तय की गई। मुआवजा राशि बढ़ाए जाने पर ओपी धनखड़ ने कहा है कि आपदा प्रबंधन का मुआवजा बढ़ाया गया, हरियाणा सरकार बधाई की पात्र है। 7 साल में किसानों के लिए काम किया गया, हर साल 1,000 करोड़ राशि को पहुंचाया गया, अभी तक 4,000 करोड़ की राशि दी गई। अभय चौटाला के शपथ ग्रहण को लेकर ओपी धनखड़ ने कहा कि अभय चौटाला की जीत का अंतर पहले से कम रहा है। ओपी धनखड़ ने कहा है कि अभय चौटाला ने कहा था कि जब तक किसानों का आंदोलन चलेगा वे विधानसभा में नहीं आएंगे, लेकिन वह अपने वादे से मुकर गए। बरगाड़ी बेअदबी मामले में पंजाब पुलिस की एसआईटी ने रोहतक में सुनरिया जेल में बंद राम रहीम से करीब 9 घंटे से ज्यादा पूछताछ की। इस दौरान जेल परिसर में सुरक्षा के अतिरिक्त प्रबंध किए गए, साथ ही एसआईटी टीम के साथ परिसर में पहुंची कुछ गाड़ियों को लेकर पुलिस ने जांच पड़ताल की। जेल में पहुंचने के बाद एसआईटी ने कागजी कार्रवाई की और वकीलों के सामने बाबा रहीम से बेअदबी मामले में पूछताछ की। राम रहीम ने पूछताछ के दौरान कुछ सवालों का जवाब नहीं दिया। मामले में एसआईटी ने राम रहीम के लिखित में भी बयान दर्ज किए। एसआईटी 40 सवालों की सूची अपने साथ लेकर आई थी और जवाबों को लेकर काफी बहस भी हुई थी। बाद में राम रहीम के बयान दर्ज किए गए। किसान आंदोलन को 1 साल पूरा हो गया है। इस दौरान सोनीपत कुंडली बॉर्डर एसडीएम की बैठक में हो सकते हैं अहम फैसले। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में कई अहम फैसले हो सकते हैं। बैठक में केजीपी को लेकर भी चर्चा हो सकती है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में पंजाब के सभी जत्थे शामिल होंगे। नानोद पराक्रम के बाद सोमवार को हांसी में एसपी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे किसानों को शाम तक निराशा हाथ लगी है। प्रशासन और किसानों के बीच वार्ता विफल रही। किसानों ने लगे सचिवालय के समक्ष अनिश्चितकालीन पक्का मोर्चा शुरू करने का ऐलान किया था, साथ ही नानो थाने में चल रहे धरने को भी हाथी शिफ्ट करने की घोषणा की गई। फतेहाबाद में डीएपी खाद की किल्लत के चलते सड़कों पर उतरे किसान। फतेहाबाद चंडीगढ़ रोड पर जाम लगाकर प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि कई घंटे लाइन में लगने के बाद भी नहीं मिल रही है डीएपी खाद। 3 दिन पहले भी उनके द्वारा लगाया गया था जाम। कनीना में डीएपी खाद नहीं मिलने की वजह से किसानों ने महेंद्रगढ़ रेवाड़ी सड़क मार्ग को जाम लगा दिया। इस दौरान सड़क के दोनों तरफ लंबी कतारें देखने को मिली। गरुंडा में डीएपी की कमी को देखते हुए दुकानदार भी महज एक आधार कार्ड पर पहुंचे कट्टर डीएपी ही उपलब्ध करवा रहे हैं।
गौना में डीपी खाद की कमी को लेकर कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर अनिल सहरावत ने खाद और बीज की प्राइवेट दुकानों पर दौरा किया। डॉक्टर अनिल सहरावत ने किसान भाइयों से अपील करते हुए कहा है कि दुकानदार डीएपी के साथ अगर दवाइयां या बीज देने की बात करें तो उसके खिलाफ तुरंत शिकायत करें। जोजर में खाद को लेकर किसानों में मारामारी देखने को मिली है। आरोप है कि किसानों को खाद वितरित किए जाने की बजाय हैपेट का स्टॉप गोदाम पर ताला जड़कर बाहर से चला गया। इस दौरान किसानों ने भगत सिंह चौक पर जाम लगा दिया। किसानों का कहना है कि उन्हें कई बार टोकन मिल चुके हैं लेकिन फिर भी उन्हें खाद नहीं मिला। वही किसानों के जाम लगाए जाने की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली तो पुलिस बल मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाया गया। नरवाना में इफको किसान सेवा केंद्र पर खाद नहीं मिलने से किसानों ने रेलवे स्टेशन के पास जाम लगा दिया। पटोदी रोड काफी लंबे वक्त से खराब हो रही है जिसकी शिकायत लोगों ने प्रशासन से कई बार की लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई भी समाधान नहीं किया। इस दौरान लोगों ने गुस्से में आकर सड़क के बीचों बीच जाम लगा दिया जिसकी वजह से वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई। वही बिजली विभाग के अधिकारी ने कहा है कि जिन गांव में समस्याएं हैं वहां पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए हर घर दस्तक अभियान चलाया गया जिसकी अंबाला में भी शुरुआत हो चुकी है, जिसके तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा डोर टू डोर जाकर बच्चे लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा। अंबाला में 139 जगहों पर डोर टू डोर वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा। पहली और दूसरी डोज के अंतर और समझने में इस अभियान से काफी मदद मिलेगा। अंबाला में अभी तक 14.5 लाख वैक्सीन डोज लगाए जा चुके हैं। सोनीपत में 8 साल के बच्चे मोर्टिन ने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रसिया के पावले किंग बॉक्सर के रिकॉर्ड को तोड़कर कीर्तिमान अपने नाम स्थापित किया। रसिया के रहने वाले पेवल किंग बॉक्सर 27 साल के हैं और उन्होंने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 3 मिनट में फुल कॉन्सेंट्रेशन में 919 पंच मारने का कीर्तिमान स्थापित किया। लोक आस्था का महापर्व छठ हरियाणा के भी कई जिलों में मनाया जा रहा है। इस पर्व को लेकर महिलाओं में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला। छठ उत्तर भारत का सबसे खास पर्व माना जाता है जिसमें सूर्य की उपासना की जाती है और सबसे खास बात यह है कि इस पर्व में आस्था होते हुए सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है और फिर चढ़ते सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है। महापर्व छठ की हरियाणा के यमुनानगर जिले में खास इंतजाम होने से श्रद्धालुओं में काफी ज्यादा रोष देखा जा रहा है। गुरुग्राम में पूर्वांचली समाज के लोग छठ पूजा के लिए घाट की तैयारी कर रहे हैं। इस पर सामूहिक रूप से छठ मैया की पूजा करने के लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। कोरोना संकट के बीच छठ मैया का महापर्व मनाने के लिए पूर्वांचल के लोगों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। शहर में 30 से अधिक घाटों पर तैयारियां की जा रही हैं। वही पहली बार छठ पूजा में गुरुग्राम में 10 नवंबर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शक्ति पार्क में आयोजित छठ पूजा में शामिल होंगे। वही पूर्वांचली समाज के लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री के आने से कार्यक्रम में 4 चांद लगेंगे और मुख्यमंत्री के आने से पूर्वांचली समाज के लोग अपनी मांग भी रखेंगे। फरीदाबाद में त्योहारी सीजन में भी नगर निगम सड़कों की साफ सफाई नहीं करवा पाया। इस दौरान सड़कों पर कूड़े देखने को मिले। फरीदाबाद में 40 वार्डों को गार्बेज फ्री करने के लिए नोडल अधिकारी नगर निगम कमिश्नर द्वारा नियुक्त किए जा चुके हैं, इसके बावजूद साफ सफाई नहीं हुई। पलवल में छठ का त्यौहार मनाने के लिए प्रवासी अपने घर की ओर निकल रहे हैं। इस दौरान रेलवे काउंटर पर टिकट के लिए प्रवासियों की लगी लाइनें। वही टिकट बुक कराने आए यात्री ने आरोप लगाते हुए कहा है कि दलाल पहले टिकट खरीद लेते हैं और कुछ लोगों को टिकट ना मिलने में मायूसी होकर वापस लौटना पड़ता है। तो शाम व्यापारी मंडल की स्थानीय अग्रवाल धर्मशाला में बैठक हुई है जिसमें निर्णय लिया गया है कि 14 नवंबर तक अगर सरफा व्यापारी के यहाँ लूट मार करने वाले गिरोह को नहीं पकड़ा गया तो इसी तरीके से आंदोलन जारी रहेगा। गोहाना में नगर परिषद में प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरने पर जुर्माना लगाए और साथ में जेल भी जाना पड़ सकता है। नगर परिषद अधिकारी ने 1 लाख से ऊपर टैक्स बकाया लोगों पर कार्रवाई करने के लिए तैयार कर ली है।
पहले मकान मालिक को नोटिस भेजी जाएंगी और अगर वे प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कराते हैं तो एक्ट के तहत तो उनको जेल में डालने का काम नगर परिषद की तरफ से किया जाएगा। कई सालों से रिहायशी कमर्शियल बिल्डिंग मालिक प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करा रहे, बिल्डिंग मालिकों को कई बार नोटिस भेजा जा चुका है। उद्योग जगत की ऑटोमोबाइल कंपनी में सेमी कैंडिडेट का काफी इस्तेमाल होता है जिसका गुरुग्राम में भारी किल्लत हो रही है। ये उपकरण भारत में दूसरे देशों में आता है और इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक की सभी चीजों में होता है। दिल्ली में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण पहुंच चुका है जिससे यमुना नदी में जहरीली जाग तैरती हुई नजर आई। इस पर बीजेपी की आप सरकार पर बोला हमला बोलते हुए कहा है कि केजरीवाल यहां आकर अपने साफ सफाई के वादे को बताएं। फरीदाबाद में बढ़ते प्रदूषण की वजह से लगातार हवा जहरीली होती जा रही है जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच चुका है। गुरुग्राम में प्रदूषण से लोगों को थोड़ी राहत मिली है लेकिन अभी भी पूरी तरह से छुटकारा नहीं मिल पाया। गुरुग्राम में उद्योगपतियों ने कहा है कि हरियाणा सरकार के 75% आरक्षण बिल के उद्योग को काफी नुकसान हुआ है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि उद्योगों के नुकसान से कंपनियों के पलायन की भी संभावना बन सकती है, उद्योगों के लिए कुशल कर्मचारी मिलने में भी परेशानी हो सकती है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के युवाओं के हित में अच्छा कदम उठाया है लेकिन इससे उद्योगों को काफी नुकसान हो सकता है। बल्लभगढ़ के सेक्टर 23 में क्राइम ब्रांच ने नशे के कारोबारी के रिश्तेदार के घर पर छापेमार करते हुए 1,13,50,000 रुपए बरामद किए। क्राइम ब्रांच के मुताबिक उन्हें गुप्त सूचना मिली थी जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। क्राइम ब्रांच बदरपुर बॉर्डर की टीम ने मामले को इनकम टैक्स के हवाले कर दिया है और अब इनकम टैक्स इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सोनीपत में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और शव को गांव बरोटा के पास झाड़ियों में फेंक दिया। आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी विजय यादव बिहार भाग गए। बिहार में मृतक के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस कार्रवाई में आरोपी पत्नी से पूछताछ की गई है तो खुलासा हुआ है और उसने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर हत्या का जुर्म कबूला। सोना के समीपवर्ती स्पोर्ट्स विल में प्लॉट देखने आए एक 70 साल के बुजुर्ग की बारहवीं मंजिल से गिरकर दर्दनाक मौत हो गई। वही बताया जा रहा है कि 70 साल के बुजुर्ग चक्कर आने की वजह से बहुमंजिला इमारत से गिर गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। फतेहाबाद से चंडीगढ़ के लिए जा रही रोडवेज बस ने खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार दी जिससे भयानक हादसा हुआ। गनीमत रही कि इस दौरान कोई भी हताहत नहीं हुआ। ट्रैक्टर चालक ने बताया कि रोडवेज की बस तेज रफ्तार गति से आ रही थी जिसने खड़ी ट्रॉली में टक्कर मार दी। फसलों के अवशेष ना जलाए जाए इसको लेकर अब किसान जागरूक होते नजर आ रहे हैं। अंबाला में इस साल पराली जलाने के मामले में 80% तक की गिरावट दर्ज की गई है जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंच रहा है। तो वही पराली ना जलाने को लेकर हरियाणा सरकार और अंबाला प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे कदम भी सार्थक साबित होते भी नजर आ रहे हैं। अंबाला कैंट में सुअर पालन करने वालों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। कैंट में सुअर पालन वाले करीब 100 से ज्यादा लोगों को नोटिस जारी किया गया। नोटिस में साफ चेताया गया है कि रिहायशी इलाके में सुअर पालन बंद करें, कोई इन आदेशों की पालन नहीं करता तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सोनीपत में ग्रामीण स्तर पर लोगों के बिल जमा कराने के लिए एजेंसी के टेंडर दिया गया था। एजेंसी के कार्य में खामियां लगातार मिल रही है जिसके कारण लोगों को परेशानी हो रही है। जिन लोगों ने बिल भर दिया है और ताजा आए हुए बिल में बड़े हुए बिल को दोबारा जोड़कर भेज दिया गया जिसको लेकर ग्रामीण लगातार विभाग के चक्कर काट रहे हैं। वही विभाग के लोग पीड़ित ग्रामीण के काम को तवज्जो नहीं दे रहे हैं जिसके कारण लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आए। टोहाना में पुरानी तहसील रोड स्थित एक मकान से अज्ञात चोर लाखों रुपए की नकदी चुराकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुटी।
चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो मकान मालिक ने बताया कि घर से 40 तोला सोना, 700 ग्राम चांदी और 1 लाख की नकदी चुराकर फरार हुए चोर। गुआना में एक बुजुर्ग विधवा के खाते से 2 लाख से ज्यादा पैसे निकालने का मामला सामने आया, जिससे पीड़ित बुजुर्ग ने पुलिस थाने में उसकी शिकायत दर्ज कराई। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार के नाम पर पंचकुला में बड़े घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि घोटाले में नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल है। इस घोटाले की शिकायत मिलने के बाद नगर निगम कमिश्नर ने मामले में जांच के आदेश दे दिए। दरअसल RTI एक्टिविस्ट ने शिकायत दी थी कि अंतिम संस्कार के नाम पर घोटाला किया जा रहा है। कोरोना से मरने वाले लोगों के अंतिम संस्कार के लिए नगर निगम की एक टीम बनाई गई थी। टीम के हर मेंबर को एक शव का अंतिम संस्कार करने पर 2000 रुपये का मुआवजा दिया जाना था। आरोप है कि नगर निगम के अधिकारियों ने टीम में ऐसे अधिकारियों का नाम भी शामिल कर दिया है जो अंतिम संस्कार में शामिल ही नहीं होते हैं। केथल में डेंगू के केस मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। जिले में 6 नए केस सामने आए, इनमें से 5 केथल शहर में से और 1 कलायत से मिला। डेंगू के मरीजों का आंकड़ा अब बढ़कर 272 पहुंच चुका है। इसके अलावा बुखार के मरीजों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। बुखार से पीड़ित 50 लोगों की जांच की गई है। इनमें से 44 को OPD में इलाज करने के लिए भेज दिया गया, लेकिन 6 की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। चिंता की बात है कि हालात सुधरने की बजाय और खराब होती जा रही है। कुल केस के मामले में पहले भी 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। सिरसा में डेंगू मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। रोज 20 से 25 मरीज डेंगू पीड़ित मिल रहे हैं। अब तक डेंगू के 619 मामले सामने आए। नागरिक अस्पताल में मलेरिया विभाग ने नोडल अधिकारी डॉक्टर हरसिमरन ने कहा है कि डेंगू के मामलों पर नियंत्रण हो रहा है। पिछले दिनों काफी संख्या में मरीज मिल रहे थे, लेकिन अब स्थिति में नियंत्रण है। नेपाल के सेना प्रमुख जनरल प्रभुराम शर्मा आज से भारत के 4 दिवसीय यात्रा पर आएंगे। जनरल प्रभुराम भारतीय जनरल SMS नरवाणे वायुसेना प्रमुख और नौसेना प्रमुख से भी मुलाकात करेंगे।